हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत सारा ख्याल होंगे। चलिए से व्लॉग करते हैं शुरू। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट। और सुबह से पता है रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए इस वजह से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी सारा काम करना था, सब अरेंज करना था और फिर निकलना भी था। तो पहले हम लोग कहे कि पहले तैयार हो जाते हैं, निकलते हैं, फिर उसके बाद रास्ते में ही शूट कर लूँगा। अब बस हम लोग रास्ते में हैं और जा रहे हैं हम लोग। फाइनली गाइस, बहुत देर बाद हम लोग यहाँ पे रुके थोड़ा सा रेस्ट के लिए। काफ़ी देर से गाड़ी चला रहे हैं ना, तो देखो पीछे मामा लोग यहाँ गाड़ी रोक दिया है, खड़ी है गाड़ी। और तो बढ़िया व्यू है ना पीछे साइड से, क्या बताऊँ, एकदम पीछे साइड देखो कितना ताज़ा व्यू है ना, मज़ा ही याद आने वाला है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी रिलैक्स देने वाला ये मोमेंट है मेरे लिए, है ना। पीछे भी देखो सारी जगह है, मगर हाँ पानी मतलब पानी बरस रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। यहाँ सारा फूल तोड़ा जा रहा है। देखो यहाँ पे कितने ढेर सारे हैं पहाड़, देखो पहाड़ पत्थर देखो इतनी दूर दूर तक आए हैं आप सब गिर गिर के। तो गाइस अब फिर से यहाँ पे रुका हुआ हूँ, यहाँ पता है ट्रेन आने वाली है ना, और यहाँ पे इंतजार करता काफ़ी देर से। मैं सोच ही रहा था कि यहाँ भागम भाग मत है, और यहाँ पर ट्रेन आने के कारण यहाँ पे रेड लाइट हो गया है, तो रेड लाइट होने के कारण मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। तो अभी मैंने भैया लोगों से पूछा है और उन्होंने बताया कि 10-15 किलोमीटर यहाँ से बस दूर है, ज़्यादा नहीं, 10-15 किलोमीटर दूर, और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच जाएँगे चित्रकूट। तो फाइनली गाइस मैं चित्रकूट पहुंच चुका हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं चित्रकूट का नज़ारा, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे आने के बाद। हवा बहुत तेज़ चल रही है तो थोड़ा सा आपको हवा हवा सुनाई देगी, हवा हवाई हो जाएगा यहाँ पर। और साथ में मेरे साथ आई हैं मेरी मम्मी, मेरे मामा। मामा जी आइए, आपको भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, आइए मामा जी। और अंदर मेरी मामी बैठी हुई हैं, बस थोड़ी देर की पता है जगह जगह जा जाके थोड़ा थोड़ा ड्रॉप लेकर बस थोड़ा थोड़ा रोक रहा हूँ। और बारिश भी हो रही है, थोड़ा समझना यार। हम लोग यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने वाली जगह पे आ गए हैं, और पीछे मामा जी ने गाड़ी खड़ी कर दी है, और अभी हम लोग हनुमान धारा के पास पहुँच चुके हैं। तो ये चित्रकूट नहीं है, तो सबसे पहले हमारा यही प्लान है कि हम लोग सबसे पहले यहीं जाएँगे और यहीं पर ही हम अपना इन्जॉय करते हैं, देखते हैं। और पता है यहाँ पर ना वो रोप से ऊपर नीचे जाने वाला सिस्टम भी है, वो देखो रोप से ऊपर नीचे जाने वाला सिस्टम है ना, वहीं अभी उसी पे बैठ के हम लोग जाएंगे। यार उधर ऊपर देख रहे हो बंदर, देखो बंदर, बाप रे क्या लग रहे हैं, सब भाग रहे हैं उधर, बारिश हो रही ना, और उस बंदरिया को तो देखो कैसे अपने बच्चे को दबा के बैठी है। ये हमारा टिकट हो गया स्कैन, मामा जी स्कैन करवा दिए, तुम चलते हैं इस तरफ। हाँ तो अब यहाँ लाइन में लगे हुए और वो देखो अंदर। तो फाइनली बड़ी देर बाद हम लोग यहाँ पे आ ही गए। अब फाइनली काफ़ी देर बाद हम लोग ऊपर पहुंच गए। तो यहाँ का नज़ारा देखो, देखो सब जगह धुंध छा गई है उधर साइड, ऐसे लग रहा हो कि ठंडी का मौसम आ गया है। तो फाइनली ये देखो, ये कुछ गुफा नावा जैसा कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबको ना अपना सूज और सैंडल ये सब उतार देंगे। उधर देखो झरना टाइप का बह रहा है उधर ऊपर, जो पानी बह रहा है ना, ये पानी क्या कहते हैं पहाड़ के बीच से आ रहा है और इसमें पूरा जा रहा है, और नीचे से पानी बहते हुए उधर जा रहा है बाहर की ओर। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ ही गए। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, वो वहाँ मंदिर के अंदर दर्शन कर चुके हैं, और अब हम लोग को ये इसके अंदर जाना है पूरा। और यहाँ से ये देखो, देख रहे हो पूरा क्या ही नज़ारा है यहाँ का, एक नेक्स्ट लेवल का।
काफ़ी देर बाद एकदम टॉप एंड टॉप प्लेस पे मैं एकदम पहुंच चुका हूं। और हाँ, बारिश हो रही है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही है, मगर हाँ उसका अपना ही एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का सामान है।